पर पलवल से, जहां पर कोरोना योद्धाओं पर हमला किया गया है। लगभग दो दर्जन भर युवाओं ने उन पर हमला किया है, जो बेहद ही चिंताजनक खबर है। इस दौरान आपको बता दें कि स्टाफ नर्स और होमगार्ड गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। स्टाफ पर हुए हमले को लेकर के कर्मचारियों में रोष दिखाई दिया। गुस्साए कर्मचारियों ने करीब दो घंटे अस्पताल में कामकाज बंद भी कर दिया, जिसकी वजह से काफी दिक्कत मरीजों को आई। वहीं पुलिस के आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर भी लौट गए हैं। कर्मचारियों ने पुलिस को चेतावनी भी दी है और कहा है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो दोबारा से वो हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। मैं ट्रीटमेंट कर रहा था पेशेंट का, तो मेरे को फ़ोन वगैरह आ गया था। मैं साइड में बात करने के लिए गया, तो उनमें से नहीं पता कितने लोग आए। मैं साइड में जैसे बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे ऊपर हमला बोल दिया। कोरोना योद्धाओं पर हमले जैसी खबरें जब सामने आती हैं तो मनोबल टूटता है कोरोना योद्धाओं का, और ऐसे में अगर वो आवाज उठाते हैं तो ये लाजमी भी है। लेकिन पुलिस वाले अगर आश्वासन इस पर दे रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं तो सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कर्मचारियों ने करीब दो घंटे अस्पताल में कामकाज बंद कर दिया, ऐसे में ऐसी स्थिति जरूर बनी होगी कि मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। भरत तेवतिया, ज्यादा जानकारी के लिए, भगत तेवतिया, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। भगत, कोरोना योद्धाओं पर हमला किया गया है, ऐसे में मनोबल टूटना बिल्कुल लाजमी है। अब कामकाज पर लौट गए हैं, लेकिन उस दो घंटे की स्थिति बताइए जब मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर देखें तो स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ जो कोरोना के जो यहाँ पर केस लगातार पलवल में जिस तरह से कोरोना का केस बढ़े हैं, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। लेकिन रात जब दो पक्षों का झगड़ा यहाँ पर हुआ तो दोनों पक्ष वहाँ इलाज कराने के लिए जब वहाँ पहुंचे तो एक पक्ष के लोगों ने डॉक्टरों पर और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन पर हमला कर दिया, और जिसमें गंभीर छोटे भी एक जो नर्सिंग स्टाफ का व्यक्ति था उसको चाकू भी मारे और अन्य जो गार्ड थे उनको भी यहाँ पर चोटें मारी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग निकले। भगत, क्या ये पता चला है कि ये युवक कौन थे, क्या इनकी पहचान कर ली गई है, और अब इस पर कोरोना योद्धा जिन पर हमला किया गया है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो आश्वासन की वजह से वापस लौटे थे। जी बिल्कुल, पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया था कि तुरंत ही इस मामले में जो उन्होंने उनके खिलाफ जो आरोपियों की जो पहचान उन्होंने कर ली थी, और आरोपियों की पहचान करने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी जो उन्होंने दर्ज, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। और आरोपी जो थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस की टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भेजी हुई है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्तार। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भगत तमाम इस जानकारी के लिए। कोरोना योद्धाओं पर हमला किया गया, हमले में स्टाफ नर्स और होमगार्ड गंभीर रूप से घायल भी हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।